PS5 एक्सेसरीज बोलो भैया। बहुत हो गए एक एक डब्बे हर वीडियो में। आज सीधा हम एक नहीं, एक दो तीन, पूरे 10 डब्बे लेके आए PS5 एक्सेसरीज के। और मैंने इंस्टाग्राम पे बताया था PS5 एक्सेसरीज की धमाकेदार वीडियो आएगी मिड ऑफ अगस्त तक। तो यार फॉलो कर लो भाई को, 10,000 फॉलोअर तो करा दो कम से कम। हम भी स्वाइप अप स्वाइप अप बोल लेंगे, ये कर लो स्वाइप अप, वो कर लो स्वाइप अप, भाई साहब स्वाइप अप, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया। तो सबसे पहले PS5 एक्सेसरी है हमारा डुअल सेंस कंट्रोलर और ब्लैक कलर मंगाया हमने। और निराश होने वाली बात नहीं है, ये कंट्रोलर PC यूजर्स के भी काम आ जाएगा, एंड्रॉइड यूजर्स के भी काम आ जाएगा, iOS वालों के पक्का नहीं पता बट काम आ जाएगा। तो आप इसको ले सकते हो, इसलिए वीडियो पूरी देखना, ऐसा ना हो कि PS5 वाले बंदे देख रहे हैं और बाकी सब छोड़ के चल देना, नाराज हो जाऊंगा मैं बहुत ज्यादा, मतलब कुछ भी। तो ये निकलता हमारा सुंदरता से भरपूर ब्लैक कंट्रोलर। भाई लुक इतनी प्यारी है ना ब्लैक वाले कंट्रोलर की, आप देखो व्हाइट वाला तो इसके आगे ऐसा फीका फीका सा लग रहा है। तो ब्लैक वाले कंट्रोलर में कुछ नया नहीं है, जो भी PS5 यूजर्स हैं उनको बता दूं, नॉर्मल गेम खेल सकते हो आप, और आप इसको PC से भी कनेक्ट कर सकते हो। PC से कनेक्ट करना बहुत ईजी है, इसकी वीडियोज भी है, और अब इसका सॉफ्टवेयर अपडेट भी आ चुका है, जो DS4 विंडोज सॉफ्टवेयर है उसके अपडेट में जो आपको हैप्टिक फीडबैक है वो PS5 वाला मिलेगा। और जो एडाप्टिव ट्रिगर्स हैं वो चलाने के लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, एक वीडियो का रेफरेंस है उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लेना अगर आप PS5 का कंट्रोलर बाय करने वाले हो अपने PC। अगर आपको एडाप्टिव ट्रिगर से कोई मतलब नहीं है ना, नॉर्मल आपको हैप्टिक फीडबैक देने को अच्छा कंट्रोलर चाहिए, भाई ले सकते हो, एक तरफा एक्सपीरियंस आता PC पे। बाकी इस कंट्रोलर के बारे में तुम्हें एक्स्ट्रा क्या बताऊं, मस्त है, लेना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ले सकते हो। और जब भी मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स मंगवाता हूं ना, मैं हर बार ना नया नया कैशबैक प्लेटफॉर्म ट्राई करता रहता हूं। तो इस बार ना मैंने GoPaisa ट्राई करके देखा, यार GoPaisa बड़ा सही प्लेटफॉर्म लगा। लाइक अगर आपने साइन अप किया ना GoPaisa पे और आप अपने लोगों को रेफर कर रहे हो, तो भाई वो जिंदगी भर जो भी कैशबैक अर्न करेंगे उसका 10% तुम्हें मिलता रहेगा। मतलब जैसे तुम्हारे दोस्त ने 500 रुपए अर्न कर लिए कैशबैक से, तो 50 रुपए तुम्हें फ्री फंड गया, तुम कुछ खरीदो या ना खरीदो। मैं सोचा यार ये तो बहुत सही चीज है, तो तुम्हें बता देना चाहिए इसके बारे में। तो GoPaisa भी एक कैशबैक एप्लीकेशन है, उसके अंदर आपको 1500 से भी ज्यादा रिटेलर मिल जाते हैं जिससे भी आप शॉपिंग वगैरह करते हो, Amazon, Flipkart, Myntra, Ajio वगैरह। तो करना कुछ नहीं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना है, और साइन अप करने के बाद 25 रुपए की पार्टी तो मेरी तरफ से है ही शुरू में। उसके बाद अपने किसी भी रिटेलर पे जाओ, फॉर एग्जांपल Amazon पे जाओ, जैसे आपको शॉपिंग करनी है वैसे नॉर्मली शॉपिंग करो, और उस पर आप कैशबैक कमा सकते हो। वो कैशबैक आपको अपनी GoPaisa की ऐप में दिख जाएगा, फिर चाहे विड्रॉ करो या जो भी आपकी मर्जी है वो आप कर सकते हो। उसके बाद सेकंड एक्सेसरी है हमारी कंट्रोलर का कवर, इसके ऊपर 2 थंब ग्रिप्स भी मिल जाते हैं। अब जिन जिन के पास व्हाइट कंट्रोलर होगा उनको देखो ये वाला इशू होगा, यहाँ पे देखो पूरा यूज करके ना काला काला हो चुका है, यहाँ पे डर्ट वगैरह फंस चुकी है। तो कुछ नहीं करना, ये इस पर चढ़ा देना बस। तो यार आप फिटिंग देख सकते हो कितनी प्रॉपर फिटिंग इसके ऊपर आई है। और मैंने तो एक सतरंगी सा पैटर्न मंगाया, रैंडमली ऑर्डर कर दिया था, इसके अंदर दुनिया भर के पैटर्न्स हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना। और जो रबर की बिल्ड क्वालिटी है मतलब काफी अच्छी है, इसको मैंने स्ट्रेच वगैरह भी किया, तो ऐसा कोई टूटने वूटने का सीन नहीं है। और ये बिना थंब ग्रिप के है, ये मैंने थंब ग्रिप लगा दी इसके ऊपर, और ये दाने दाने टच करके ना अलग ही मजा सा आ रहा भाई। अभी ना मैं कंट्रोलर का बक्सा साइड में रख रहा था, मैंने अभी नोटिस किया इसमें केबल भी नहीं है चार्जिंग वाली, 6,000 रुपए का कंट्रोलर है, सोनी वाले केबल नहीं दे सकते, वेरी डिसअपॉइंटेड। ये बात सुन के सोनी वाले नाराज ना हो जाए। उसके बाद थर्ड एक्सेसरी हमारी मोबाइल फोन क्लैंप, जो हमारे पास PS5 कंट्रोलर है इसको मोबाइल पे आप लगा सकते हो, एंड्रॉइड पर सपोर्ट करता है, मैंने एंड्रॉइड पे चेक किया था। तो अब आप एंड्रॉइड फोन को दूर रख के गेम खेलो तो मजा नहीं आएगा, सोचो अपने फोन को आप PS5 कंट्रोलर के साथ अटैच कर लो कितना मजा आएगा। तो कुछ ऐसा क्लिप इसके अंदर मिलता है भाई, इतनी लो क्वालिटी है ना, इसको मैंने हल्का सा टिल्ट किया ना ये टूट जाएगा, ये कसम से भाई बिल्कुल ही खत्म सा है। ये देखो ये प्लास्टिक इसका बिल्कुल ऐसे बेंड हो रहा है, और पता है कितने रुपए का है, 650 रुपए का ये क्लिप है। PS5 की एक्सेसरीज अंधाधुनी महंगी है भाई, बस वो ये महंगे मसाले और महंगे शौक। तो इसको फिक्स करने के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको इस तरीके से क्लिप लगाना है, ये प्रॉपर फिटिंग इसके हिसाब से बनी हुई है पूरी, और यहाँ पे एक बटन दिया है, इसको क्लिक करने के बाद आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। मैंने इसको एंड्रॉइड फोन के साथ कनेक्ट करके PSP मिलिटर पे गॉड ऑफ वॉर खेल के देखी थी, बढ़िया एक्सपीरियंस मिल रहा था। और बाकी अगर आप एंड्रॉइड गेम्स के साथ खेलते हो जिसके अंदर हैप्टिक फीडबैक का सपोर्ट है, तो उन गेम्स में वाइब्रेशन भी वर्क करती है, तो आप इसको एंड्रॉइड फोन में भी यूज कर सकते हो इस क्लिप के साथ। उसके बाद आती है हमारी चौथी एक्सेसरी, अब तुम कहोगे कहां टेक चैनल पे कपड़े बेचता फिर रहा, भाई साहब PS5 के कपड़े हैं ये। और इस कपड़े की फनी बात बताऊं भाई, पूरे इंडिया में इसका सेलर ही नहीं है, ये चाइना से आया है, और इसको डिलीवर होने में 1 महीना लगा, इसकी वजह से तो वीडियो लेट होगी। मैं कसम से अपनी दादी को बोलता ना इससे बढ़िया सील के दे देती। तो कुछ ऐसा कवर आपको मिलता है, और क्वालिटी भाई बस ठीक ठीक ही है, एवरेज सी क्वालिटी है इसकी कपड़े की। बाकी डस्ट वगैरह से प्रोटेक्ट करना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, PS5 पे बढ़िया फिटिंग इसकी आ जाती है। जब भी आप PS5 अपना ना यूज कर रहे हो तो इसको चढ़ा के रख दो, कोई डस्ट वस्ट आपके PS5 के अंदर नहीं जाएगी, लाइफ स्पैन बढ़ेगा और सेफ्टी रहेगी, मतलब समझ रहे हो ना भाई। ये PS5 की सबसे इंटरेस्टिंग एक्सेसरी, अभी डब्बा बहुत बड़ा है बट इसमें बहुत सस्ता सामान है, ये है PS5 का बैकपैक। और जब मैंने ऑर्डर किया था तब 999 का था, आज ये 699 का है। Amazon वालों पैसे चाहिए मुझे वापस, बहुत घाटा हो गया भाई 300 रुपए का। सबसे पहली और बढ़िया चीज ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन है, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। ऊपर यहाँ पे PS5 बना हुआ है अपने लोगों के साथ, तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, अपने रिलेटिव्स के घर जा रहे हो या किसी सिटी में जा रहे हो, आप वहाँ पे कहीं भी स्टे कर दो, देखो TV सब जगह होता है, आपको अपना PS5 चाहिए कहीं भी लगा के आप खेल सकते हो। वैसे एक चीज आपको भी लग रही, इसके साइज से लग नहीं रहा इसमें PS5 फिट आ जाएगा, टेस्टिंग में बिलीव करता है भाई साहब।
और PS5 का जो नीचे का स्टैंड है ना वो लगा लगा है, इसके साथ ही घुसा के देखूंगा इसके अंदर। भाई साहब क्या साइज बनाया भाई, प्रॉपर फिटिंग आ गई और एकदम बिल्कुल एक्यूरेट कि हाँ आराम से बस कंधे पर उठाओ। ओपेंस क्यों अभी गिर जाता भाई साहब, इसकी स्ट्रैप ही नहीं लगी हुई थी। अभी एक्टिंग के चक्कर में 50,000 का नुकसान हो जाता। फिर वही बात होती, माँ मेरा PS5 टूट गया। तो कहीं भी ट्रैवल करना बहुत इजीली ट्रैवल कर सकते हो, और इस चीज का ध्यान रखना तुम भी भाई, ये स्ट्रैप लगा लेना पहले, कहीं तुम भी एक्साइटमेंट में कंधे बटाऊंगा और वो पड़ा पीछे ठा के लाओ। और इसके अंदर आप PS5 के साथ साथ इसका कंट्रोलर और अपनी केबल्स वगैरह भी रख सकते हो, इतनी कैपेसिटी है बैग के अंदर। और बाकी इस बैकपैक को आप अपने लैपटॉप बैग की तरह भी यूज कर सकते हो, अंदर लैपटॉप पॉकेट भी दी है और अंदर छोटी छोटी पॉकेट्स और भी हैं। और अगर बिल्ड क्वालिटी वाइज अगर बताऊं तो बिल्ड क्वालिटी ठीक है 700 रुपए के हिसाब से, और वैसे मैंने 1000 का लिया था, उस हिसाब से एवरेज बिल्ड क्वालिटी है, ना ज्यादा अच्छी ना ज्यादा बेकार। भाई ये 700 रुपए में वैल्यू फॉर मनी चीज है, ये तो मंगवा सकते हो, इससे मैं बहुत इंप्रेस्ड हूं। अगला क्या दिखाया जाए भाई, अगली है ये ऑडियो डिवाइस। ये दिखने में बहुत छोटी सी लग रही है बट इसकी वैल्यू अराउंड 1700 रुपीज है। अब ये क्या सीन है बता दूं, जिसके पास PS5 है उसको तो पता होगा, बट जिसके पास PS5 नहीं है लेने की सोच रहे हैं, तो PS5 में आप कोई भी ब्लूटूथ स्पीकर, ब्लूटूथ हेडफोन कुछ भी आप थर्ड पार्टी नहीं चला सकते। बाकी वायर्ड हेडफोन आप चला सकते हो, वायरलेस नहीं चलते उसके अंदर। तो ये कोई भी थर्ड पार्टी ब्लूटूथ डिवाइस चलाने के काम आता है। एक निकलती है बहुत मोटी सी यूजर मैनुअल, पर ये पढ़ लेना है बहुत काम की है। एक निकलेगा इसके अंदर 3.5mm रिसीवर और एक इसके अंदर निकलेगा USB रिसीवर। तो आपको कुछ नहीं करना, ये वाला रिसीवर आपको अपने PS5 के USB पोर्ट में लगाना है, और ये जो 3.5mm वाला रिसीवर है ये आपको अपने कंट्रोलर में लगाना है। इसको पेयरिंग मोड पर डालना है और आपके आसपास जो भी ब्लूटूथ डिवाइस होगी वो इससे कनेक्ट हो जाएगी। तो ध्यान रखना आसपास वही वाली डिवाइस टर्न ऑन हो जिसको आपको इससे पेयर करना है, और आपकी डिवाइस ऑटोमेटिकली पेयर हो जाएगी। उसके बाद आप वायरलेसली अपने हेडफोन या फिर ईयरफोन किसी भी चीज को अपने PS5 के साथ यूज कर सकते हो। वेरी वेरी जुगाड़ थिंग, और ये सच में इंटरेस्टिंग है, महंगी है पर काम आ सकती है। और हाँ, गो पैसा पे ना एक कॉन्टेस्ट भी चल रहा है इंस्टाग्राम पे, आपको अपने सिबलिंग के साथ रील्स बनानी है और आपको गो पैसा को टैग या DM करना है, और वहां पे वो फ्री वाउचर्स बांट रहे हैं जिनकी रील उनको पसंद आ रही है। बाकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए इस कॉन्टेस्ट के बारे में तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो चेकआउट कर लेना। उसके बाद हमारा महंगा मसाला आ गया है, ये हमारे कंट्रोलर का चार्जिंग स्टेशन। एक यूजर मैनुअल मिलेगी, एक आपका प्रोडक्ट मिलेगा, एक टाइप ए टू टाइप सी केबल। तो ये मैंने अपने पावर बैंक से कनेक्ट कर लिया है, तो देख रहे हो कितनी बढ़िया लुक लग रही है। यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट जल रही है साइड में, बहुत बढ़िया सी वाइब्स क्रिएट कर रही है गेमिंग वाली। और यहाँ पे आपको कंट्रोलर का सिग्नेचर मिल जाता है, पहले ग्रीन आएगा क्योंकि अभी कंट्रोलर नहीं रखा इसके ऊपर। और कुछ चार्जिंग स्टेशन आपने ऑनलाइन देखे होंगे जो उल्टा रखने के ऊपर चार्ज होता है, जो टाइप सी पोर्ट होता है यहाँ पे, बट एग्जैक्ट आप यहाँ पे इससे चार्ज कर पाओगे जिस काम के लिए इन्होंने ये वाला पोर्ट दिया है। तो जैसे मैंने अपने PS5 कंट्रोल रखा, यहाँ पे लाइट जलनी शुरू होगी इसकी चार्जिंग की, और यहाँ पे रेड कलर का इंडिकेशन आ गया कि ये चार्ज हो रहा है। वैसे तो कंट्रोलर को टाइप सी केबल से भी चार्ज कर सकते हैं, बट ये अलग ही फील देगा, टेबल पर रखा हुआ एकदम बढ़िया दूर से कंट्रोलर जब चार्ज हो रहे होंगे तो अलग ही लेवल की फील आएगी आपको अपनी PS5 की टेबल देख के। क्योंकि PC यूजर्स तो कुछ ना कुछ लेते रहते हैं, कीबोर्ड ले लिया, माउस ले लिया, माउस पैड ले लिया, हेडफोन स्टैंड ले लिया, अब PS5 वालों के लिए भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, तो यही है वो चीज, बस दिल की संतुष्टि। उसके बाद आता हमारा पैलाडॉन, इसके अंदर भी इन्होंने एक यूजर मैनुअल दे दी, एक USB केबल, और ये निकल गई मेनली आपकी लाइट। अब ये प्रॉपर प्लास्टिक बिल्ड में है तो इतनी कोई खास ऐसी क्वालिटी है नहीं इसकी। और इस टाइप की अगर लाइट्स वाली आइटम मार्केट से खरीदते ना, कोई भी लोगो या कुछ है, मुश्किल से 500-600 रुपए में आ जाती है, बट इसका जो प्राइस है वो 2400 रुपीज है। जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं उस दिन बाकी चेंज हो जाए कह नहीं सकते। अब इसका एक्चुअली महंगा होने का सीन क्या है, जिसके जो लोगोज है यही सब कुछ है, ऑफिशियली लाइसेंस्ड प्रोडक्ट है ये सोनी की तरफ से, तो इस वजह से महंगा है। और बाकी इसके अंदर आपको ब्रीदिंग इफेक्ट भी मिलता है, स्टैटिक इफेक्ट भी मिलता है, और म्यूजिक के थ्रू भी इफेक्ट मिलता है। अगर कोई भी गाना प्ले करोगे इसके आसपास तो म्यूजिक के साथ साथ इसकी लाइट्स चेंज होती हैं, जो कि बहुत ही कूल लगती हैं। उसके बाद हमारा सेकंड लास्ट प्रोडक्ट है चार्जिंग स्टैंड विद कूलिंग फैन। तो PS5 भी एक PC और लैपटॉप की तरह चलता है, वो भी हीट जनरेट करता है, तो कूलिंग स्टैंड की जरूरत पड़ सकती है आपको अगर ज्यादा लंबे टाइम तक गेमिंग करते हो। वैसे अपना थर्मल सिस्टम अच्छा है सोनी का, बट स्टिल दिखावेबाजी, टेबल पे कुछ ना कुछ सजावट, खर्चा 3200 रुपीज का है ये। तो कुछ ऐसा स्टैंड आपको मिलेगा, यहाँ पे आप अपना PlayStation रख सकते हो, यहाँ पे आपके दोनों कंट्रोलर आ जाएंगे, बट कंट्रोलर उल्टे रखने पड़ेंगे क्योंकि टाइप सी पोर्ट के थ्रू चार्ज होगा ये। और अगर ये वाला एरिया आप खोलते हो तो यहाँ पे आप अपनी सारी डिस्क मैनेज करके रख सकते हो। अगर आपके पास PS5 डिजिटल एडिशन है तो इस टाइप से आप रख सकते हो, और अगर डिस्क एडिशन है तो आप इसको रिमूव करके डिस्क एडिशन के हिसाब से कटिंग बन जाती है। और एक बहुत सही चीज है, आपको USB पोर्ट भी मिलते हैं इसके अंदर, तो ये जब आप अपने PS5 के साथ अटैच कर दोगे तो यहाँ से भी आप अपनी USB यूज कर सकते हो फॉर कंट्रोलर चार्जिंग। तो इसके ऊपर आपका PS5 आ जाएगा जिससे आपकी कूलिंग मेंटेन रहेगी नीचे के दोनों फैन से, और साइड में आपके दोनों कंट्रोलर आ जाएंगे, कितने वेल मैनेज तरीके से इसके ऊपर लगते हैं। और यहाँ साइड में आपकी सारी डिस्क आ जाएंगी, प्रॉपर वर्टिकली आप डिस्क खड़ी कर सकते हो, और ये टेबल पर रखा हुआ भाई बहुत ही वेल मैनेज सा लग रहा है। मतलब PlayStation की भी आपके लिए इतने सारे जुगाड़ हैं कि मतलब PlayStation में अपनी थोड़ी दिल की ख्वाहिश पूरी कर सकते हो कि हम भी डेस्क सेटअप बनाए, हम भी कुछ नई नई चीजें खरीदें। Why should PC users have all the fun भाई? उसके बाद आता है हमारा लास्ट प्रोडक्ट,
तुम गलत सोच रहे हो क्या कुछ? ये हमारी PS5 की स्किन स्पाइडरमैन वाली मंगाई है हमने, जो आपके साइड पैनल पे भी लग जाएगी, मिडल फ्रेम पे भी लग जाएगी, जो आपके PS5 का मिडल फ्रेम है, और भी यहाँ डिस्क वाले पोर्शन पे, और पता नहीं किस किस तरीके की कटिंग बनी हुई है इसके अंदर। और आप अपने कंट्रोलर्स पे भी लगा सकते हो स्किन, कंट्रोलर्स की कटिंग भी मिली है, और कुछ यहाँ पे और कटिंग दी है, ये पता नहीं किस चीज की है। ये 899 rupees की है और बहुत सारे डिजाइन है, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो इसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी बहुत पिक्सेलेटेड सी है, बाकी जब आपके PS5 पे लग जाएगा तो दूर से बुरा नहीं लगेगा, अच्छा ही लगेगा। और ये लगानी बहुत ईजी है, मैं वीडियो में लगा के नहीं दिखा रहा, मैं इसको लगा के इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालूंगा PS5 की, तो आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता। इस वीडियो में जितना आपने सामान देखा, इस सामान की वैल्यू अप्रॉक्स 18,000 rupees है, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो। तो भाई ये थी PS5 की टोटल 10 बढ़िया आइटम जो आप परचेज कर सकते हो अगर आप PS5 यूजर हो। और बाकी गो पैसा की ऐप यूज करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करो, कुछ ना कुछ शॉप करो, लोगों को रेफर करो। तो आज के लिए इतना ही था, पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, बेल आइकन पे ऑल दबा देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।